नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। RO पेड क्विज लगातार हम देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हों तो नीचे देखिए प्लेलिस्ट है, उसमें लिंक्स दे रखे होंगे, आप वहां से देख सकते हैं सबको, ठीक। और एडमिशन लेने के लिए भी वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दो स्टेटमेंट हमारे पास है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में बात की जा रही है, एल्यूवियल सॉइल की, ठीक। तो काफ़ी एक्सटेंसिव एरिया में इंडिया में ये पाई जाती हैं, ये मृदाएं लगभग देश के 40% से ज़्यादा भाग को कवर करती हैं, ठीक। तो दो स्टेटमेंट है कि ये उत्तरी मैदान है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स जो इंडिया का है, और जो नदी घाटियां हैं जो भी उसके विस्तृत भागों में पाई जाती हैं, कथन बिल्कुल ठीक है। और गुजरात के मैदानी इलाकों में भी देखेंगे तो इनकी मात्रा मिलती है, इधर राजस्थान वगैरह से होते हुए, ठीक। तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं, विकल्प सी को चुनेंगे। इसको यहाँ इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। अब जलोढ़ मृदा के कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो कौन सा कथन इसके संबंध में सही है देख लेते हैं। लिखा है कि इसमें पोटाश की मात्रा कम होती है और फॉस्फोरस की मात्रा जो है अधिक होती है। तो दोनों स्टेटमेंट आपस में इंटरचेंज किए हुए हैं, पोटाश की मात्रा इसमें जो है ये अधिक होती है और जो आपका फॉस्फोरस है ना इसकी मात्रा कम होती है। तो इसमें सही दोनों नहीं है, डी विकल्प को चुनेंगे हम। आगे देखें, काली मृदा जो है कहाँ पाई जाती है, ब्लैक सॉइल की बात हो रही है। तो आपको पता होगा ब्लैक सॉइल जो है इंडिया में मेजर जो इसका फॉर्मेशन है ये बेसाल्टिक लावा के डिपोजिशन के कारण हुआ है, और डक्कन का प्लेटू जो है ना वेस्टर्न एरिया में आप मेजर रूप में आप इसको पाएंगे। इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है ना, ये आपको जानना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में सी को चुनेंगे यहाँ पे। अभी आपको ये बात बताई गई है कि बेसाल्टिक लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ब्लैक सॉइल। लाल मृदा का विकास वहाँ हुआ जहाँ, क्या हुआ? तो देखिए, डक्कन का प्लेटू आप जो देखते हैं उसके पूर्वी भाग तथा दक्षिणी भाग में है ना, जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ऐसी जगहों पे आपको लाल मृदा मिलेगी। इसका विकास वहाँ हुआ जहाँ पे इग्नियस रॉक्स होती हैं, फाइब्रस यानी कि रवेदार, ठीक। तो ये वेस्टर्न घाट का जो आप एरिया देखते हैं इसमें आपको रेड सॉइल की यहाँ पे प्रेजेंस मिलती है। तो विकल्प हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। आगे देखें कौन सा कथन सही नहीं है काली मिट्टी के संबंध में है, कि इसमें कपास की खेती जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है, उपयुक्त होती है इस मिट्टी के लिए। तो आप देखते हैं कि इंडिया में वेस्टर्न रीजन में आपके जो ये स्टेट्स हैं जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है तो कपास का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पे। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, काली मिट्टी में फॉस्फोरस नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की अधिकता होती है, ये गलत है। अधिकता नहीं, इनकी कमी होती है। अगर हम अधिकता की बात करें तो जैसे लाइमस्टोन है ना, आयरन, मैग्नीशियम, एलुमिना, ये सब तत्व जो हैं ये ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा। दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है देखना है। लैटराइट मृदा अब यहाँ पे हमारे पास है तो उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में ये विकसित होती है, ये कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि इस मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटाश की कमी होती है, ये गलत है, इन चीज़ों की अधिकता होती है ना। इसके अलावा जैसे नाइट्रोजन है ना, फॉस्फेट, कैल्शियम, अब ये जैव पदार्थ जो हैं कह लीजिए, तो इन सब की अधिकता होती है। और ये इंडिया में अगर देखेंगे स्टेट्स तो ये जैसे पेनिनसुलर इंडिया में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा है ना, असम के कुछ जो पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे ये पाई जाती है। तो सही सिर्फ एक है। आगे देखें, किस राज्य में लाल तथा पीली मृदाओं का विस्तार पाया जाता है। तो चार विकल्प आप देख रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसके अलावा तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, आपका उड़ीसा के क्षेत्र और ये छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड का, इसमें इनकी उपस्थिति आपको मिलेगी, ठीक। तो चारों ही ठीक हो जाएंगे, हम डी विकल्प को चुन लेते हैं। अब एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा में कौन सी मुख्य फसलें जो हैं उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे एल्यूवियल की सॉइल्स होती है मेनली पैडी, वीट, शुगर केन, पोटैटो है ना, ये सब, ए विकल्प।
काली मृदा में किस पोषक तत्व की प्रचुरता होती है? तो अभी ऊपर ही बताया था आपको कि पोटाश, लाइम, मैग्नीशियम है ना, ये सभी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। विकल्प डी को चुनेंगे। आगे देखें, पर्वतीय मृदा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका विस्तार जो है किस क्षेत्र में है। तो आप देखेंगे ये बी विकल्प जो है ना, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, मोस्टली हिमालय वाला जो एरिया है, इसमें मुख्य रूप से आपको सेब, आलू, नाशपाती जो होती है ना, ये फसलें मिलेंगी। और इसके इसमें देखेंगे तो अधिकता किस चीज़ की होती है? पोटाश और फॉस्फोरस है ना, इन चीज़ों की। हमने जलोढ़ मृदा के बारे में आपको बताया था कि लगभग 40% के एरिया में वो भारत में पाई जाती है। तो उसी क्रम में काली मृदा पूछ रहे हैं, ये कितने प्रतिशत के भू क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंकड़ा जो है लगभग 15.2%। दो कथन है आपके पास, कौन सा कथन गलत है ये देख लेते हैं। विक्षोभ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने की प्रक्रिया को तरंग कहते हैं, और दूसरा है कि कोई गति जो निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है आवर्ती गति कहलाती है। तो पीरियोडिक मोशन और वेव की जो है ये डेफिनेशन है, दोनों बिल्कुल दोनों ठीक हैं, कोई नहीं गलत है इसमें। नन ऑफ द एबव यानी न तो एक और न ही दो, इसको चुनेंगे। वेव में जैसे आप ये पढ़ते हैं ना कि वेव ऐसे कुछ, आप इसको फिजिक्स में देखते होंगे है ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने की प्रक्रिया को तरंग कहते हैं। डिटेल में इसको देख लीजिएगा। और जैसे प्लैनेट का मोशन होता है तो क्या है आपका, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। अब वेव के ही संबंध में, तरंगों को अगर हम जैसे मुख्य भागों में पढ़ते हैं तो यांत्रिक तरंग पहला होता है, तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। यांत्रिक तरंगें जो हैं किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती हैं, यानी कि जो हमारी ये ऐसे समझिए मैकेनिकल वेव्स जो हैं, उसके लिए, उसके ट्रैवल के लिए माध्यम की ज़रूरत होगी है ना, कोई फिजिकल माध्यम होना चाहिए। ठीक, दूसरा है कि वाटर वेव्स आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, जो हिंदी में लिखा है जल की तरंगे यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। तो बिल्कुल ये ठीक है। जल में आपने देखा होगा कि जैसे कोई, मान लीजिए आपने कोई पत्थर फेंक दिया है ना, तो अब ऐसे वेव बनेगी, उसमें क्या है, यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल है। फिर जैसे स्प्रिंग होता है, उसको खींचेंगे है ना, तो उसमें जो गति होती है, या फिर ये ध्वनि की तरंगे जो होती हैं, ये सब एग्जाम्पल होते हैं इसी के। तो दोनों ठीक हैं। आगे देखिए, अवरक्त किरणों की खोज इसमें से किसने की थी? इंफ्रारेड वेव्स की बात हो रही है ना। तो जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे है ना, सिग्नल्स भेजने की दिशा में इसको एक तरीके से डिस्कवर किया गया, ये विलियम हर्शल के द्वारा। विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज भी आप देखते हैं जैसे रिमोट वगैरह या तमाम तरह की चीज़ों में इनका जो यूज़ होता है ना, इंफ्रारेड का, तो ये सब इसके एग्जांपल हैं। सी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखिए, पराबैंगनी किरणों में, चूँकि इसको हम पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से तीन जो भाग हैं उसमें विभाजित किया जाता है, यूवी रेज ए, बी और सी है ना। तो उसी क्रम में यहाँ पे है कि यूवी रेज ए जो है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो देखिए, ए की होती है 320 से 400 nm तक। तो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, ये हमें डी ऑप्शन में मिल जा रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। यूवी बी की बात कर लेते हैं, तो ये 280 से 320 तक ही होता है। और यूवी सी जो होता है ये 100 से 280 तक मानते हैं इसको है ना। तो तीनों को, इनको वेवलेंथ के हिसाब से जो है ध्यान रखिएगा, इनके यूसेज क्या हो सकते हैं वो देख लीजिएगा आप। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो एटमॉस्फेयर की जो हमारी लेयर्स होती हैं उसमें ये जो आयनोस्फीयर है, आयन मंडल, ये रिफ्लेक्ट करता है लॉन्ग रेडियो वेव्स को, जिसमें आप देखते हैं रेडियो कम्युनिकेशन और इस कम्युनिकेशन वाली जितनी चीज़ें हैं इसी की वजह से हो पाती हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार वैसे भी पूछा गया है अलग अलग रूप से, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, इसके बारे में बात हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो RBI एक्ट बना था है ना, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1934 में। तो उसके आधार पे 1 अप्रैल 1935 से है ना RBI इस्टेब्लिश किया गया। उस समय जो है इसको कलकत्ता में स्थापित किया गया था। बाद में जो है 1937 में इसका मुख्यालय जो है शिफ्ट किया गया, कहाँ पे, मुंबई में। तो वर्तमान में जो वहीं पे स्थित है, इसको भी ध्यान रखिए। हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हुआ, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। तो वह किस वाद्य यंत्र में पारंगत थे? तो ये काफी फेमस प्लेयर थे संतूर के है ना, संतूर वादक। हाल ही में कृष्ण कुमार कुनाथ है, तो इनको आप जो है शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं के नाम से। ठीक, इनका हाल ही में हार्ट अटैक आ गया था इनको, तो
इन्होंने किस भाषा में गाने गाए, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो हिंदी में तो खैर पॉपुलर थे ही, इसके अलावा तमिल, मराठी, है ना, बंगाली, इसके अलावा कन्नड़, असमिया, इन सब लैंग्वेजेस में, है ना, सब में गाया है इन्होंने। ऑल ऑफ द अबव इसको चुनेंगे। अब भजन सोपोरी के बारे में भी हमने ऊपर भी देखा था कि संतूर वादक हैं ये प्रसिद्ध, इनका निधन हुआ हाल में। तो उनके संबंध में दो कथन हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे, ये भी ठीक है, और इनका जन्म उत्तरी कश्मीर के सोपोर जिले में हुआ था, तो ये भी ठीक है, कथन दोनों सही हो जाएंगे। आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित पणवाध्यक्ष, है ना, पणियाध्यक्ष होगा, है ना, तो किस विभाग के अध्यक्ष होते थे ये? तो पहले भी हमने देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, मौर्य काल के जो इतिहास पहले भी हमने शायद पिछले वीडियो में देखे थे इनसे संबंधित क्वेश्चंस। तो उसी क्रम में देखिए यहाँ पे कि पणियाध्यक्ष जो थे ये किस विभाग के अध्यक्ष होते थे, तो ये होते थे आपके हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, है ना, बी को चुनेंगे। अब जैसे इनकी भी बात करें, हेड ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, है ना, जो आबकारी विभाग है उस समय का, तो उसको सुराध्यक्ष बोलते थे, ठीक। हेड ऑफ एग्रीकल्चर जो होता था तो उसको बोलते थे सीताध्यक्ष, है ना। हेड ऑफ मिंट यानी कि जो टकसाल जहाँ पे सिक्के डाले जाते थे उनको क्या बोलते थे, तो उनको लक्षणाध्यक्ष करके टर्म होता था, ये बोलते थे। अभी देखिए सुराध्यक्ष के बारे में आपको बताया था, तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए। अब लिटरेरी सोर्स जो एक था मेगास्थनीस के द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक इंडिका, है ना, मौर्य प्रशासन के संबंध में जो नगर व्यवस्था की जानकारी के हिसाब से इन्होंने नगर के प्रशासन में कितनी समितियों का वर्णन किया है ये पूछ रहे हैं। तो कुल 6 ऐसी समितियों के बारे में ये उल्लेख करते हैं जिनका कार्य जो है अलग अलग कार्य मतलब देखना होता था, ठीक। अब देखिए, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कितने सदस्यों के समूह के द्वारा किया जाता था, तो यह सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय, तो उसमें कुल ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल कह लीजिए, ग्रुप मेंबर्स है, है ना, उनकी कुल संख्या होती थी 30, है ना, इनके द्वारा ये चीज़ें की जाती थी। इसमें देखिए कौन सा कथन अब सही है, तो मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है, तो ये अभी हमने देख ही लिया उसके संबंध में कई सारे क्वेश्चन। और राज्य का सॉरी राजा का न्यायालय जो होता था मौर्य काल का सर्वोच्च न्यायालय होता था, तो जो किंग होते थे सबसे मतलब सर्वोच्च जो अथॉरिटी होती थी जस्टिस की दिशा में वही होते थे, दोनों कथन ठीक है। आगे देखें कौन सा कथन फिर से सही पूछा जा रहा है आपसे, कि मौर्य काल में 100 गांवों के समूह को संग्रहण कहा जाता था, ठीक। तो एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में जैसे प्रांत और नगर ग्राम, है ना, छोटी छोटी इकाइयों में ये सब चीज़ें डिवाइड होती थी, तो उसी क्रम में जो 100 गांव का एक समूह कलेक्टिवली रिफर किया जाता था उसको संग्रहण कहते थे, बिल्कुल ठीक बात है ये। और अभी हमने कुछ अध्यक्षों के बारे में भी ऊपर देखे थे संबंधित कार्य और अध्यक्ष के बारे में, तो उसी क्रम में जो चारागाह होते थे, है ना, या चरवाहा कह लीजिए, उसके जो अध्यक्ष होते थे उनको विविताध्यक्ष कहा जाता था, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। अब मौर्य काल में जो कर होते थे उनके संबंध में कौन सा युग्म गलत है, तो देख लेते हैं इसको भी। उदक भाग जो है ये गलत हो जाएगा, ये बेसिकली उदक भाग जो सिंचाई पे कर लगता था, है ना, इरिगेशन टैक्स कह लीजिए, उससे संबंधित था। अगर एनिमल टैक्स की बात करें तो इसको बोलते थे ब्रज। आगे देखें कौन सा कथन सही है फिर से, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से की थी, ये कथन बिल्कुल ठीक है, कौटिल्य को कहते हैं। और दूसरा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था, ये गलत है, इनका जन्म जो है एक कुसुमपुर नामक स्थान था, पाटलिपुत्र यानी जो वर्तमान का पटना है, ठीक है, यहाँ पे हुआ था, तो सही है सिर्फ एक। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है फिर से देख लेते हैं। अब बिंदुसार के बारे में बात हो रही है, ठीक, तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था, तो इनके पिता और माता का नाम ये था, ये बिल्कुल कथन ठीक है। दूसरा है, चीनी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स, है ना, ये एक टर्म यूज किया था, इस नाम से संबोधित किया, तो देखिए अमित्रोचेट्स ये कहा तो जाता था पर ये चीनी लेखकों के नहीं, यूनानी जो लेखक थे, है ना, इनके द्वारा कहा गया। इसका अर्थ होता था क्या, ये शत्रुओं का संहारक, है ना, शत्रुओं का हत्यारा कह लीजिए,
तो कथन सही नहीं है। दूसरा, आगे है, भारत के संविधान में सरकार की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो हम अपने इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है सिस्टम फॉलो करते हैं, जो हमने लिया है कहां से? ब्रिटेन से। अब संविधान का अनुच्छेद जो 74 है किस विषय से संबंधित है? तो भाग 5 में अनुच्छेद 74 जो बताता है आपके ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला ऑप्शन हम करेक्ट कर लेंगे। अगर इनके नियुक्ति की बात करें तो ये भी जानते रहिए, अनुच्छेद 75 जो है ना, वहाँ पे इनके नियुक्ति कार्यकाल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको लगता होगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का निश्चित है, परंतु ये गलत है। वो क्या होता है कि जब तक उनको लोकसभा में या ऐसे समझिए कि उनको विश्वास मत प्राप्त है ना, उनको सपोर्ट मेजॉरिटी मिला हुआ है, जो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट होती है सरकार बनाने की है ना, तब तक वो अपने पद पे होते हैं, ठीक। और उसी के क्रम में दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर वो अपना विश्वास मत खो देते हैं, यानी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, अगर वो पास हो जाता है तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, और इस प्रकार वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी उनको शपथ दिलवाई जाएगी, और जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस मिला हुआ है सदस्यों का, तब तक वो अपने पद पर प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन शामिल होता है? तो कंपोजिशन इसका ऐसे कुछ होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संज्ञा आप दी जाती है, तो मुख्य रूप से कौन है? प्रधानमंत्री जो लीड कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, तो उसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, है ना, कुछ वॉइस मिनिस्टर्स की भी जो है क्रिएशन की जाती है, तो सभी इसमें शामिल होते हैं। इन चीज़ों को पॉलिटी में डिटेल में देखते रहिए। ये भी अभी आपको ऊपर बताया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके नियुक्ति कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ एवं वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ पे है, तो ये अनुच्छेद 75 में है। अगला है कि आंवला ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये पहले भी यूपीपीएससी कई बार पूछा हुआ है इसको, बरेली में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ और हमारे जो ताप विद्युत परियोजनाएं और विद्युत गृह हैं, तो कौन सा उस संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ओबरा ताप विद्युत गृह कानपुर लिखा है, ये गलत हो जाएगा, ये सोनभद्र में स्थित है, ठीक। बाकी के विकल्प ठीक है, इन्हें पढ़ के देख लीजिएगा कहाँ पे क्या स्थित है। अगला है कि मेजा ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो एनटीपीसी के द्वारा इसको बनाया गया और ये है प्रयागराज में। अगला है कि मुख्यमंत्री मितान योजना 2022 किस सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? तो इसको लॉन्च किया गया है इसमें आपका छत्तीसगढ़ में, है ना, विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मई 2022 में वहाँ के जो सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने इसको लॉन्च किया, और संबंधित ये योजना जो है इसका विषय ये है कि इस योजना के तहत जो जैसे ये आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, निवास प्रमाण पत्र है ना, आय प्रमाण पत्र, या फिर आपके लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं, उसकी कई सारी सुविधाएं आपको अपने घर पे ही जो है मिल सकती हैं। उसके संबंध में एक टोल फ्री नंबर भी उन्होंने जारी किया था 14545, तो इस नंबर को भी चाहे तो ध्यान रखिए। अगला है कि माँ तुझे प्रणाम, ये योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? तो इसको अप्रैल 2022 में दोबारा शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, विकल्प हम डी को चुनेंगे। इसमें बेसिकली इसका एम जो था कि जो मध्य प्रदेश राज्य के यूथ हैं वो अपने देश के जो ये बॉर्डर्स हैं उस पर सिक्योरिटी को, मतलब एक तरीके से बढ़ाने के लिए आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उसको ज्वाइन करने की दिशा में उनको अवेयर करना है और इस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो ये उद्देश्य के साथ माँ तुझे प्रणाम योजना चलाया इन्होंने। मालवीय मिशन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक, तो यह मिशन रेल मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, यही गलत है। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था इसको मई 2022 में, जिसमें उद्देश्य ये है कि शिक्षकों के शिक्षण के विकास के लिए देश भर में सक्षम इकोसिस्टम तैयार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। स्पेशली जो ये उच्च शिक्षण संस्थान है ना, उनमें इनका जो टारगेट था उसके लिए इसको चलाया गया, तो सही है सिर्फ। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑपरेशन महिला सुरक्षा रेल मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है,
और दूसरा है कि यह महीने भर का ऑपरेशन महिलाओं व लड़कियों को मानव तस्करी से बचाने के उद्देश्य से चलाया गया। तो इसको चलाया था इसमें मई 2022 के राउंड भारतीय रेलवे ने, और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तस्करी यानी कि जो जिस्म फरोशी या इस तरीके के मामलों के उद्देश्य से ये चीज़ें की जाती हैं रेलवे से, उसको समाप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य था। तो गलत इसमें नहीं है कुछ भी। आगे देखें, 1,00,000 निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण पहल को किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये आवास और शहरी वाला जो मंत्रालय है ना, विकल्प बी, ठीक। इन्होंने लॉन्च किया था जून 2022 में, जो ये आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं है ना, बिल्डिंग्स वगैरह में जो काम कर रहे हैं, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ना, शहरी, ये शहरी वर्जन वाली, उसके अंतर्गत इसको चलाया गया। आपको जरा ये बताना है हमें, ये निपुण जो यहाँ पे लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी का प्रकार है, सोशल फॉरेस्ट्री कह लीजिए है ना, इसके रूप में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी और अर्बन है ना, ये तीनों ही होते हैं। विकल्प हम डी को चुनेंगे, पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में ये चीज़ें की जाती हैं, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। शहीद अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान किस शहर में स्थित है? तो फ्रीडम स्ट्रगल के संबंध में आपने इनको पढ़ा होगा, तो इन्हीं के नाम पे एक जूलॉजिकल पार्क है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे, सारे क्वेश्चंस जो बताए गए हैं संबंधित फैक्ट को प्लीज़ कवर करिए, और जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस उसको कमेंट के माध्यम से बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।